एल्काइलेशंस, फिनॉल में एल्काइल हैलाइड्स को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। हियर इज फिनॉल CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, व्हाट विल हैपन, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट विल फॉर्म। ठीक है, ऑर्थो प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ऑर्थो क्या आएगा भाई, यस ऑर्थो, क्या नाम इसका, हाँ नाम ऑर्थो मिथाइल फिनोल, या बोल सकते हैं और थायडोक्सीटोलुइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, दैट्स डिपेंड ऑन द सब्स्टिट्यूट, लेकिन OH ग्रुप इज मोर स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू CH3 ग्रुप्स। ठीक है ना, ठीक है, या टू मिथाइल फिनोल और टू मिथाइल फिनोल। ठीक है, अगला है सम स्पेशल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल फिनॉल, सम स्पेशल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, वन इज कोल्ब रिएक्शंस जिसकी बात अभी कर रहा था मैं, व्हेन फिनॉल सब्स्टिट्यूटेड इन द प्रेजेंस ऑफ फिनोक्साइड आयन बन जाएगा पहले। ठीक है, NaOH CO2 H पॉजिटिव एसिड भी ले लो, HCl। ठीक है, HCl ही आएगा, H पॉजिटिव ले लो आप, एसिडिक मीडियम किसकी, चलो टेंट। ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई, क्या प्रोडक्ट बनेगा, सैलिसिलिक एसिड, क्या होता है सैलिसिलिक एसिड, OHCOOH सैलिसिलिक एसिड विल फॉर्म। इतनी सी बात ध्यान रखनी, ज़्यादा मैकेनिज्म चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, तो जब फिनॉल, या आपको आ सकता कि फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड ऐसा भी होगा बुक में दिया हुआ है ना, तो इसको जब मेटल के साथ हम रिएक्ट करते हैं तो हमें फिनोक्साइड आयंस मिलता है, क्या मिलता है, फिनोक्साइड आयंस। ठीक है, जब वो CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तब ये सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा। अगला है रिवर टाइमन रिएक्शंस CHCl3, सेम कंडीशन होगी सारी। ठीक है ना, कंडीशन विल बी सेम, NaOH OH नेगेटिव H पॉजिटिव, ये सारी कंडीशंस, यहाँ सैलिसिलिकल्डिहाइड बनेगा OHCHO। ठीक है, सैलिसिलिकल्डिहाइड, तो ये सिर्फ फर्क किसका है, यहाँ क्लोरोफॉर्म है या कार्बन डाइऑक्साइड है, माइन्यूट सा फर्क है, ये ध्यान रखना आपने कोल्ब और रिमोटाइमन रिएक्शंस में। इसमें सिर्फ आपको मैकेनिज्म भी आ सकता है, मैकेनिज्म में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल ही होगा, CCl2 विल अटैक टू द बेंजीन रिंग। अरे बात समझ, कहाँ करेगी, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा थी, कहाँ थी, ऑर्थो और पैरा पे, क्लियर, तो दो ही प्रकार की, या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा या पैरा पे अटैक करेगा। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स पहला स्टेप आएगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रो, हमने क्या किया, CHCl3 यूज़ किया था, तो इसको हम तोड़ देंगे, क्लियर है, CCl2 में H यहाँ से निकल जाएगा बेटा, क्या होगा, CH, जैसे CHCl3 है ना, तो क्या हो जाएगा, HCl निकल जाएगा, तो CCl2 नेगेटिव प्लस HCl, क्लियर, फिर उसके बाद नेगेटिव आयंस बढ़ जाएगा, फिर आपके पास CCl2 कार्बिन फ्री रेडिकल्स में कर दो, ये कार्बिन क्या करेगी, अटैक करेगी कहाँ पे, बेंजीन रिंग पे, बेंजीन निकल ना फिनॉल है, आ रही समझ बात, फिनॉल के पास लॉन पेयर है नहीं, है भाई, यहाँ पे अटैक करेगी, पहले फिनॉल को हमने ट्रीट कराया मेटल के साथ, वो फिनोक्साइड सोडियम फिनोक्साइड करा था,
इसको जब हम ट्रीट करेंगे किसके साथ, कोई भी मेटल होगी, तो यहाँ क्या बन जाएगा, एक ही बात है, ठीक है। फिर जैसे हमारे पास डबल बॉन्ड है, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है, तो CCl2 ये अटैक करेगी कहाँ पे, यहाँ पे, इस तरह से, ठीक है, ये बॉन्ड दे देगा इस चार्ज पे, यहाँ नेगेटिव आयन है, यहाँ पे अटैक कर देगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CCl2 आ जाएगा, एक हाइड्रोजन लग जाएगा, ये हाइड्रोजन, ये इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये हाइड्रोजन वापस नीचे दे के प्रोडक्ट बना देगा। क्लियर इतनी बात, तो ये आपने ध्यान रखना है, इसका मैकेनिज्म भी आप कर सकते हो, लेकिन ये रिएक्शन से याद रखनी है, मैकेनिज्म ऐसे बहुत कम चांसेज है, क्योंकि इस बार सिलेबस भी रिड्यूस ही है थोड़ा। क्लियर, नेक्स्ट वन, अगला कौन सा है जी, हाँ एक और रिएक्शन है, जब फिनॉल किसके साथ करेगा, CCl4 के साथ, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, वो तो क्लोरोफॉर्म था बेटा, क्या था, क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना, कंडीशन द प्रेजेंस ऑफ बेस -2NaCl H2O, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, बस प्रोडक्ट लिखते हैं, क्या है प्रोडक्ट, हाँ सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, तो ध्यान रखना मैकेनिज्म भी आपने करना है, ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, देखो ना कितना डिफरेंस है, पहले वाला रिएक्शन किया था कॉल्व किया था OH+CO2, कंडीशन सेम, ठीक है, प्रोडक्ट सेम बना था सेम, फिर अगला रिएक्शन सिमर टाइमन किया था, फिर क्या था उसमें, CHCl3, हाँ LDIH बन गया, क्या बन गया, इतनी बार ध्यान रखनी है आपने, थोड़ी सी इन चीज़ों के बारे में आप रिएक्टेंट में ध्यान रखोगे, ये बिल्कुल क्लोज रिएक्शंस है, आ रही समझ बात, CCl4 का ना अटैक, लेकिन वह प्रोडक्ट फिर दूसरा बन जाएगा, आ रही इतनी बात समझ, ये तीन रिएक्शन मेजर है जो कि आपको ध्यान रखने पड़ेगी। अगला है रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद थैलिक एनहाइड्राइड, ये फिनॉल है, थैलिक एनहाइड्राइड रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद थैलिक एनहाइड्राइड, ये थैलिक एनहाइड्राइड है बेटा, क्या है, थैलिक एनहाइड्राइड, क्या है, साइड में लिखते हैं, क्लियर, क्या है सर के बच्चे, लिखो फिनॉल, लिखो फिनॉल तो हमने लिखा ही नहीं, एक हाइड्रोजन ये, दूसरा फिनॉल लिख दिया है, हाँ एक हाइड्रोजन ये, पानी को ले गए बाहर, बाकी बना दो प्रोडक्ट, ओ इसका दो हाइड्रोजन इसके, बाकी डाई बन गई, कौन सी डाई बन गई भाई, बना लो, बना कुछ, फिनॉक्सिलीन बन गई, नॉट डाई एट ऑल, जो हम इंडिकेटर यूज करते हैं, करते ना, फिनॉक्सिलीन इज एन इंडिकेटर विच इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशंस, फॉर किसके लिए, एसिड बेस हाइड्रेशन कहाँ होता भाई यूज, आगे क्या बच्चा, एक साइड यहाँ लग गया, ऐसा है ना, ये चीज़ की थोड़ी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों, इसको बोलते हैं फिनॉफ्थलीन, लॉज, क्लियर, आसान है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, तो तीन रिएक्शन ये करें, एक चौथा ये, क्लियर, और रिएक्शन तभी याद होते जितना आप लिखोगे बेटा, इसमें कोई ऐसा परफेक्ट मैकेनिज्म तो चलो आपको पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट क्या, रिएक्ट करके प्रोडक्ट बन रहा है, और फॉर्मूले आपको आने चाहिए ऐसे थोड़े बहुत, मतलब पता होना चाहिए कि फिनॉल का क्या है, अगर ये नहीं आएगा तो रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती है, आ रही बात समझ। नेक्स्ट है हाइड्रोजिनेशन, कल भी करा था हमने हाइड्रोजिनेशन,
क्या होता है भाई हाइड्रोजनेशन? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या रिडक्शन भी आप बोल सकते, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजनेशन में क्या करेंगे हम, जैसे फिनॉल है आपको ऐसे दिया होगा बुक, उसमें 3H2 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर और निकल कैटालिस्ट होगा एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो ये साइक्लोहेक्सेनॉल बना देगा। क्या बना देगा? साइक्लोहेक्सेन चले जाएगा ना, 6H बॉन्ड टूट जाएगा ना। यहाँ तो मैंने ऐसे लिखा, पर गलत लिखा मैंने। ठीक है, इतना ओके जी। रिएक्शन 4, ठीक। नेक्स्ट अभी बोला था मैंने कपलिंग रिएक्शन, तो ये आप ध्यान रखोगे इसका। थैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला बेंजीन के साथ COO अटैच करवाना है। दो फिनॉल लिए, उसको जोड़ दिया, हमारे पास फिनॉक्सिलिन बन गया। क्लियर। नेक्स्ट वन इज फिनॉल की क्या करें हमने, 3H2 हाइड्रोजिनेशन कर दी, हमारे पास क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है भाई, साइक्लोहेक्सेनॉल ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, मतलब कहने का मतलब ये H2 पॉजिटिव इसमें आता है, देन इट विल ब्रेक डाउन। क्लियर। हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गया ना बेटा, ये देखो इसमें दो दो हाइड्रोजन लग गए, कितने लग गए, समझ आ रही इतनी बात? H लग गए इधर, इस तरह से आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, एक वहां भी होगा हाइड्रोजन। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है कपलिंग रिएक्शंस, कौन सा रिएक्शन है कपलिंग, ग्रुप में डाल देना हो काम जो लिखा हुआ। कपलिंग रिएक्शंस, कपलिंग में कपल हो जाएगी भाई, ऐड हो जाएगा विद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। सबको पता है ना ये तो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, सबको पता। N2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, मतलब पोलैरिटी ऐसे लिखता है मैं, N2 पॉजिटिव बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ वही फिनॉल था ना, सेम चीज कपल कर दिया OH, लो ये फिनॉल है, सबके पास एक एक H है। ठीक है ना, सब कार्बन के पास एक एक, और ये बाकी डबल बॉन्ड, ये जीरो गोल लगाया हुआ है, अल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड। तो HCl निकाल दो, बाकी एजो डाई बन जाएगी आपकी। ठीक है, एजो डाई, बाकी जोड़ दो बेटा, बेंजीन डाई एजो, ये आ गया N डबल बॉन्ड N, ये N2 है ना बेटा, N डबल बॉन्ड N, फिर आगे क्या बना, ये आ गया OH, यहाँ भी आ गई, इसका नाम पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। तो आप लिख सकते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ठीक, कपलिंग रिएक्शंस आ गए। क्लियर, अगला है ऑक्सीडेशन। फिनॉल की जब ऑक्सीडेशन करेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट बोला मैंने, K2Cr2O7 या H2SO, ये ऑल दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, दूसरे वाले की ऑक्सीडेशन करते खुद रिड्यूस हो जाते। क्लियर, देन इट विल बी फॉर्म डबल बॉन्ड O प्लस H2O पैरा बेंजो क्विनोन। ये फॉर्म होगा जी। ठीक है, तो आप ध्यान रख सकते हैं, हो सकता है कंप्लीट दिस रिएक्शन, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हो तो आपको खुद रिएक्शन को कंप्लीट करना पड़ेगा। क्लियर, अगला है ऑक्सीडेशन विद पोटाशियम पर सल्फेट। ऑक्सीडेशन विद पोटाशियम पर सल्फेट, दिस इज स्लो ऑक्सीडेशन। ठीक है, सेम चीज़ आप करेंगे, फिनॉल
विद ऑक्सीडाइज K2S2O8 K2S2O8 पोटाशियम परसल्फेट, देन इट विल फॉर्म टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट OH प्लस कैटिकोल एंड क्विनोल, ऐसा है ना, हाँ कॉमन नेम कैटिकोल, और इसका है पहले हम करा चुके थे चीज, तो आप ध्यान रखना ऑक्सीडेशन दो प्रकार से होगी, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा पोटाशियम पर सल्फेट की प्रेजेंस में दो प्रोडक्ट मिलेंगे कैटिकोल एंड क्विनोल, क्लियर ओके। बाकी हमने विलियमसन सिंथेसिस हमने कर दी, ठीक है ना, एल्काइल हैलाइड था ना, देन रिएक्ट विद मिथाइल एल्कोक्साइड, देन इट विल फॉर्म इथर, विलियमसन सिंथेसिस इज हेल्पफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथर। बाकी इथर के हमने मैक्सिमम रिएक्शंस कर दिए, बचे भाई कोई, ये चैप्टर मेरे हिसाब से क्लोज है, बाकी इसकी प्रॉपर्टी आप लिख लोगे और कॉपियाँ मेरे को कल चाहिए किसी भी हालत में कंप्लीट, ठीक है, और हम कल से अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। इथर इज आल्सो, कुछ इसकी रिएक्शन कर लेते, कितना टाइम बचा है, कोई नहीं थोड़े से रिएक्शन और कर लेते हैं, एरोमेटिक इथर्स के हमने करे नीचे हो गया 5 मिनट सिर्फ, क्लास आपकी मैथ की है, ठीक है कोई नहीं। विलियमसन सिंथेसिस एक आप करोगे, उसके बाद ROR आया ना, ठीक है ना, दिस इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो एंड पैरा एक्टिविटी, क्लियर। रेजोनेंस आप उसी तरह से इसकी कर सकते हैं जैसे मैंने फिनोक्साइड की पीछे कराई थी आपको। फर्स्ट वन इज ब्रोमिनेशन, इसे एनाइजोल भी बोलते हैं, OCH3 कॉमन नेम है ना, विथ ऑक्सीबेंजीन, ठीक है, IPC नेम, एनाइजोल इज कॉमन नेम, OCH3 जब बेंजीन लिंक पे लगाओ तो ये इथर है RO R। वी विल डू ब्रोमिनेशंस Br2 इन आपके पास है एसिटिक एसिड CH3 COOH, जैसे आपको बोला ये क्या, या तो ऑर्थो डायरेक्टिंग है या पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो और पैरा उसी तरह से, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज रिच एट दीज टू पोजिशंस। उसके बाद है फ्रिडल क्राफ्ट, सेम चीज आएगी बेटा, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन इसमें भी सेम आएगा, OCH3, ठीक है, CH3 कहाँ लग जाएगा, तो ऑर्थो पे या पैरा, और वही चीज आप ध्यान रखोगे एनहाइड्रस AlCl3, मतलब आप करते रहोगे ना रिएक्शन तो आपको आसान लगेगा बेटा, ठीक है, OCH3 दूसरा प्रोडक्ट आ गया OCH3 और थोड़ा पैरा इथर, क्लियर। नाइट्रेशन आप सेम कर सकते हो जैसे मैंने बताया आपको, इतने से रिएक्शन याद करने और कुछ नहीं है, ठीक है, NO2 भी वही लग जाएगा और थोर पैरा, ठीक है, और कुछ नहीं।